चाहिए कि जैसा जो किसी बहन के साथ करेगा उसको उसका 10 गुना बिल्कुल वैसा ही चौराहे पर लटका करके वैसी ही वो वुमेन्स को रिस्पेक्ट करे, उन्हें इनसिक्योर फील ना करवाए। रात सिर्फ लड़कों की नहीं है, हम लड़कियों की भी है। आज़ादी हमें भी होनी चाहिए कि हम रात को अकेले सुनसान सड़क में काम से लौटते हुए महिला डॉक्टर के साथ रेप होती है, उसकी हत्या होती है पूरे देश भर में। इसकी विरोध प्रदर्शन आज हो रही, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। उसी तारतम्य में आज जसपुर में भी कैंडल मार्च निकाला गया है। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक महिला डॉक्टर प्रशिक्षु के साथ रेप के बाद हत्या होता है, उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। जहाँ एक महिला नेता है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के छत्र छाया में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ममता बनर्जी को इस पर चिंता करना चाहिए और इसका कड़ी जांच होना चाहिए। और मैं इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए ममता बनर्जी को चेतावनी देती हूँ कि इस प्रकार महिलाओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, यह घटना बंगाल में नहीं है, भारत की आबरू के ऊपर भी हुआ है। ये लगातार बंगाल में आए दिन घटना घटते रहती है, और डॉक्टर जैसे प्रोफेशन पर रहने वाली महिलाओं को अगर इज्जत आबरू उतारा गया, ये पूरे भारत देश के लिए निंदनीय है। और हम चाहते हैं कि जो भी इसमें आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा हो। आज ये समाज कैंडल लेके अगर शांति तरीका से अगर कैंडल लेके मार्च करके अपनी मांग पूरा कर सकती है, तो ये बात को याद रखे कि ऐसी घटनाओं को अगर जो लोग करते हैं उनके साथ भी बुरा से बुरा कृत्य हो सकता है। ये मत समझिए कि हम कैंडल लेके शांति तरीके से हम कैंडल जला के अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरीका से कृत्य करने वाले लोगों के साथ ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी। बंगाल में जिस तरह की घटना हुई है उस तरह से महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही होंगे बंगाल में, और निश्चित तौर पर सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, कानूनों को कड़ा करना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज की महिला जो अपने माता पिता को छोड़कर किसी स्थिति में तैयारी की होगी, और जब वो पीजी के लिए, पहले तो जो MBBS की डिग्री के लिए 5 साल लगते हैं, उसके बाद पीजी के लिए 2 साल फिर प्रयास करना, तो निश्चित तौर पर जो महिलाओं को जिस तरह से यह घटना घटी है बंगाल पे, ये बहुत ही दुखदाई है। और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इसके ऊपर पुनरावृत्ति ना हो, और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, और ऐसी कार्रवाई निश्चित तौर पर करनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को याद रखे। और इन्हीं सब समय वहाँ की बंगाल की सरकार भी निकुंसक हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है और उस पर वो रोक लगाने की कोशिश करती है, जितने भी सबूत हैं उन सबको मिटाने की कोशिश करती है। इन सब पर वहाँ की सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो जो बच्ची है वो केवल बच्ची ही नहीं थी, माता पिता की बच्ची नहीं थी, वो पूरे भारत देश के लिए बहुत कुछ देने वाली थी मेडिकल के क्षेत्र में। और ऐसे इससे क्या होता है कि पूरे देश में जो है भय का माहौल पैदा होता है। इस भय के माहौल को खत्म करने के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना ही चाहिए। हमारी युवा बहनें अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकती हैं, उसके बारे में? युवा बहनें अपनी आत्मरक्षा, बहुत सारी संगठनें होती हैं जहां पर उनका आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाता है। जैसे पहले राजपूताना में क्या होता, क्षत्रियों को जो सिखाया जाता था, महिलाओं को उस पर सिखाया जाता था, जिस प्रकार से तलवारबाजी करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, निश्चित तौर पर स्कूलों पर महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए। जी भाई, बंगाल में जो घटना हुई है उनके दोषियों को किस टाइप सजा मिलना चाहिए? ये तो बंगाल में घटना हुई है, डॉक्टर के साथ अत्याचार हुआ है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाए। मेरी प्रशासन से मांग है कि दोषियों पे सख्त जांच होकर कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई की जाए।
केंद्र सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वो सीबीआई जांच कराए इसमें और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। सब कैंडल मार्च निकाले हैं कलकत्ता में जो घटना हुआ उसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे समाज में बेटियां सलामत नहीं है, इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। उसी कारण हम जो स्कूल के बालक हैं वो ये कैंडल मार्च निकाल कर अपने दुख को प्रस्तुत करना चाहते हैं और समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों के साथ ऐसी गलत घटनाएं ना घटित हो। दोषियों को किस टाइप सजा मिलना चाहिए? उन्हें फांसी में लगा देना चाहिए, मेरे तरफ से तो उन्हें काट कर फेंक देना चाहिए। ऐसे दोषियों को समाज में रहने की कोई हक नहीं है और वो इंसान नहीं जानवर के समान। गवर्नमेंट और प्रशासन से क्या मांग है? मेरी गवर्नमेंट और प्रशासन से ये मांग है कि उन्हें जनता के हाथ में छोड़ के जनता अपना सजा कर दे। दोषियों को क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसे कि फांसी तो मिलनी चाहिए हम लोग को। उन्होंने ऐसा काम किया है। किस टाइप से विरोध किया है यहाँ पे? हमने कैंडल मार्च निकाला, मोर्चा निकाला और प्रोटेस्ट किया कि जो जो जिनका रेप हुआ उनको जस्टिस मिले और सबको जो रेपिस्ट होने सजा मिले। ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स का आगे चलकर फ्यूचर प्लान यही रहता है कि लोग बड़े होकर कोई अच्छे से हॉस्पिटल में अच्छे से कोई ऑफिस में काम करें। पर हमने जब ये वाला घटना सुना तो फिर हमारे दिल में एक दहशत सी हो गई कि अगर हम भी आगे बढ़ना चाह रहे तो क्या हमारा अंजाम इतना पढ़ लिख कर 4-5 साल MBBS करके हमारा अंजाम क्या यही होगा? क्या हम भी किसी दिन सड़क में चलते हुए हॉस्पिटल में अपने वर्क प्लेस में मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? हमारा जो स्लोगन था बच्चे पढ़ाओ बच्चे बच्ची बचाओ, हमारे लड़कों को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो वुमेंस को रिस्पेक्ट करें, उन्हें इनसिक्योर फील ना करवाएं। रात सिर्फ लड़कों की नहीं है, हम लड़कियों की भी है। आज़ादी हमें भी होनी चाहिए कि हम रात को अकेले सुनसान सड़क में काम से लौटते हुए फख्र के साथ अपना सीना ऊँचा करके बिना डरे अपने घर तक वापस पहुँच सकें। हम आशा करते हैं कि जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी हो और हम जितने भी सारे बच्चे हैं हमको एक उम्मीद मिले कि हमारे देश में जस्टिस अगर हम चाहें तो हमें मिले। रूल्स इंप्लीमेंट करने से कुछ नहीं होगा, जितने रूल्स बनाएंगे उनका पालन करना भी ज़रूरी है, पर अगर हम अपने समाज में अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ के बारे में, अपने बच्चों को एजुकेट करें, खुल के बताएं समाज में, तो ज़्यादा असर होगा। रूल्स बनाते जाते हैं लोग, कार्रवाई होती है नहीं होती है उसका मैं नहीं कह सकती, पर हम जो हमारे हम जितना कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों पे और हमारे सारे लड़कों लड़कियों सभी को, छोटे से बड़े बच्चों को, सबको अवेयरनेस फैलाएं कि बेटी हर एक लड़की हर एक बच्ची सारे लड़कों को और सभी को, लड़के नहीं सिर्फ बड़े बड़े लोगों सबको उसको अपनी माँ की तरह देखना चाहिए। मेरा नाम मीनाक्षी का है। मैं एक सवाल, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमेशा रह जाती है कि बहनों की रक्षा के लिए ना हमारी सरकार ना कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं करता, और कई बार तो खुद पुलिस इंस्पेक्टर ही मिल जाते हैं, रक्षा की भक्षक बन जाते हैं कई बार तो इसके लिए ना हमें लगता है कि ना एक कड़ा कानून आना चाहिए कि जैसा जो किसी बहन के साथ करेगा उसको उसका 10 गुना बिल्कुल वैसा ही चौराहे पर लटका करके वैसी ही सजा दी जाएगी। क्योंकि कुछ 5, 7, 10, 20, 50 साल उसको अब कैद कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, बड़ी अय्याशी से वो सांड वहाँ पल रहा होता है। तब कहते हैं जैसा हमारी बहन के साथ हो रहा है, जैसा जो हमारी बहन के साथ कर रहे हैं उसके साथ वैसा ही 10 गुना टॉर्चर बढ़ा दिया जाए और चौराहे पर लटका कर उसके साथ वो जो भी हो सामूहिक किया जाए। देखिए सबसे पहले तो आज जिस जगह पर हम खड़े हैं जहाँ पे अभी कैंडल मार्च हमारी बहनों के द्वारा निकाला गया कि भाई हम ये मतलब मुझे ये लगता है कि बहन कैंडल लेकर चल रही थी, पर इनका कहना ये था कि अगर हमें छेड़ोगे तो ये मशाल ये हम आग लगा देंगे उस आदमी के, लोग ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ पे और हम और बाकी की बातें ना करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ
महिलाओं के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी हमने भी बोला ये कि शासन प्रशासन भी कई बार भक्षक हो जाते हैं, एमपी एमएलए भी कई बार रेप में कई बार फंस जाते हैं और बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं वो भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो मुझे मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगी महिलाओं से कि आप किसी का भरोसा मत कीजिए, अपने पिता अपने भाई उनके अलावा आप किसी पे भी विश्वास मत कीजिए। आप खुद इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए कि किसी हराम खोर की आप पर नजर पड़े तो उसको आप में माँ काली दिखाई दे, माँ का श्रृंगार दिखे लेकिन साथ में शस्त्र भी दिखाई दे कि भाई इसको छेड़ा तो ये आपको मार डालेगी। तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं तैयार होने की आवश्यकता है, अपने स्कूल में कॉलेज में और कुछ नहीं तो अपने सुबह रनिंग कर सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ भाई लाइसेंस बनवाइए लड़कियाँ और पिस्टल रखना शुरू कीजिए। हाँ तभी तो बात बनेगी, अब महिला अपनी सुरक्षा खुद करेगी तो सरकार पे भी दबाव कम हो जाएगा, शासन प्रशासन पे भी दबाव कम हो जाएगा, क्राइम खत्म हो जाएगा। अब रेप देखिए कितने ज्यादा होते हैं भारत में, ये वो भी तो पहन सकता है। बताइए कहाँ विश्व में हम क्या थे, हम विश्व गुरु थे और अभी हम हमारे देश में मतलब इस तरह के कैंडल मार्च निकाले जाते क्यों, बलात्कार के लिए। तो महिलाओं को तैयार हो, आज हमने बहनों को थोड़ा सा बोला लेकिन आपके माध्यम से और कई हजार बहनों तक बात जाएगी कि आप अपने शस्त्र धारण कर लीजिए, माँ दुर्गा की तरह श्रृंगार करना आपने सीख लिया। हजारों वीडियोस देखती हैं मेकअप की, लहंगा साड़ी नकली लेकिन ट्रेनिंग कैसे की जाती है, अपनी रक्षा कैसे करनी है ये भी आप सीख लीजिए और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी।